नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि जो हम लोग नर्सरी से गुलाब खरीदते हैं और वो गुलाब या तो रेड सॉइल में होता है या क्ले सॉइल में होता है, तो दोस्तों उस वाले गुलाब को कैसे हम रिपोर्ट करें कि जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से चल जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं कि अधिकतर जो गुलाब की नर्सरी हैं वो कलकत्ता साइड में हैं, माने पश्चिम बंगाल में है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग एक जैसा रहता है। दूसरी बात ये होती है कि ग्राफ्टेड रोज होता है, तो उस रोज में या तो ये लोग चावल हस्क में इसको ग्रो करते हैं और या फिर इनके पास क्ले सॉइल होती है और या फिर इनके पास रेड सॉइल होती है और उसमें ही ये ग्रो कर देते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं, इतना ज़्यादा फ्लावर बूस्टर और प्लांट बूस्टर डालते हैं कि छोटे से पौधे में ही इसमें बड स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक बात स्पेशल समझने वाली है कि उनके वहाँ का जो माहौल होता है वो लगभग एक जैसा होता है, माने वातावरण में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जिस एरिया में रहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे ठंड में ठंड लगती है और गर्मी में गर्मी लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रोज़ होता है वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाता है, खुद को अडाप्ट नहीं कर पाता है और पौधा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज का वीडियो डेडिकेटेड है, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम इसकी स्पेशल केयर आपको बताने वाले हैं और किस प्रकार से इसकी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आप दो रोज़ देख रहे हैं, दो गुलाब देख रहे हैं, ये हम कल ही नर्सरी से लेकर के आए थे और इनकी हम आपको भी आगे दिखाएंगे कि इनकी जितनी मिट्टी है वो बिल्कुल चिक्का मिट्टी है, क्ले सॉइल है। दोस्तों, वैसे तो क्ले सॉइल पौधे के लिए हानिकारक इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर आप इसे पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखते हैं तो ये सॉफ्ट रहती है और जो रूट के जो टिप हैं, रूट के जो हेयर हैं, वो सही से ग्रो करते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर्स के द्वारा होता है, रूट टिप के द्वारा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर आप क्ले सॉइल को सुखा देते हैं, पानी लेट डालते हैं, तो ये मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है और इसके अंदर पाई जाने वाली रूट्स जो होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इसका भूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माने इसका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। दोस्तों, ये जो हम दो गुलाब लेकर के आए हैं, दोनों मिनीचर वैरायटी के हैं। हालांकि गुलाब बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं, लेकिन इस बार हमने बहुत सारे गुलाब लगाए हुए हैं, करीब 10-12 गमले तो हमने घर में ही लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी केयर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी मिट्टी को हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आप नर्सरी से रोज़ लेकर के आते हैं, उस रोज़ को, उस गुलाब को जो पॉली बैग होता है, उस पॉली बैग से आपको अलग करना है, और पॉली बैग से अलग करने के लिए आपको सीधे सीधे इसको ब्लेड से इस प्रकार से काट देना है। इस वाले गुलाब में आप बिल्कुल जो है पॉली बैग बचाने की कोशिश न करें। अक्सर हमने, आपने हमारे अगर पहले पुराने वीडियो देखे होंगे तो हम कोशिश करते हैं कि पॉली बैग को बचा लें, अगर या काली जो पन्नी हो तो उसको बचा लें और उसको जो है उसमें कोई नया पौधा लगा दें। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप चारों तरफ से मिट्टी को फोड़ लें, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान इस बात का ये रखें कि जब मिट्टी को आप फोड़ रहे हैं तो जो रूट बॉन्ड है, माने जड़ का नज़दीक वाला किनारा है, उससे थोड़ा सा इसको दूर रखें, क्योंकि अगर वो वाला हिस्सा टूट जाएगा तो इसकी जो रूट हेयर्स हैं वो भी टूट जाएंगी और पौधा साग में चला जाएगा। हालांकि पौधा बिल्कुल साग में जाएगा, लेकिन साग में जाएगा भी और पौधा बच भी जाएगा। अब इसके लिए आपको करना है कि एक छोटे से गमले में भरे हुए पानी में इसको आपको रख देना है, कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसको रख दें, और दोस्तों 24 घंटे के बाद आप इसको उठा करके देखेंगे इस प्रकार से, तो देखिए अधिकतम मिट्टी जो है वो इसकी पानी के अंदर चली गई होगी, माने रूट को छोड़ चुकी होगी। इससे सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये रहती है, दोस्तों ध्यान से आप देखिए, जहाँ हमारी उंगली है यहाँ पे व्हाइट आपको जो है रूट कैप दिखाई दे रहे होंगे, और इतनी मिट्टी जो है अगर बच जाती है तो पूरी मिट्टी को आपको अलग नहीं करना है, आसानी से आप एक दो बार इसको ऊपर नीचे करके पानी में देख लें, जितनी मिट्टी रुक जाए उतनी मिट्टी आपको रोक लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इप्सम साल्ट लेना है। दोस्तों, नीचे जो आप देख रहे हैं ये गार्डन सॉइल है, और इसमें ऊपर से हमने दोस्तों देखे ये छना हुआ जो गोबर है उसको मिलाया हुआ है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसको मिला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा इप्सम साल्ट मिला लिया है। इप्सम साल्ट जो होता है MgSO4 उसमें होता है, ये क्लोरोफिल को एनहांस करता है, पत्ती को हरा करता है। दोस्तों इसके बाद देखिए, हमने इसमें NPK ले लिया है 19-19-19,
बराबर मात्रा में एनपीके के संबंध में हमने पुराना पहले वीडियो बना रखा है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि एनपीके का इंपॉर्टेंस क्या होती है पौधे के लिए। तो एनपीके आप 19-19-19 मिलाएं समान मात्रा में, लेकिन यहाँ पे मात्रा का ध्यान रखें। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सीबीड है, सीबीड दोस्तों इसलिए मिला रहे हैं कि ये थोड़ा स्लो रिलीज होता है, इसके ग्रेन्यूल्स मिलाते हैं, हालांकि इसका लिक्विड भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम इसका अपने सारी पॉटिंग मिक्स में इसके ग्रेन्यूल्स को ही मिलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फंगस को बचाने के लिए आपको एंटी फंगल, साफ नाम का एंटी फंगल आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप गार्डनर हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए। तो दोस्तों साफ ही इसलिए मिला लेते हैं कि फंगस वगैरह ग्रो न कर जाए इसमें। इन सब सारी चीज़ों को मात्रा का थोड़ा ध्यान, ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब इसमें देखिए हम नीम केक मिला रहे हैं, नीम खली मिला रहे हैं, नीम खली भी इसलिए मिला रहे हैं कि एक तो इसमें जो है कंपोस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, दूसरे इसमें फंगस इसमें नहीं लगेगा, माने फंगस को बचाने का पूरा पूरा हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोहरा पड़ने लगेगा और हमारी एरिया में बहुत ज़्यादा फिर धूप मिलेगी नहीं, और इसको अच्छे से हाथों से आपको मिला लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसकी सॉइल मिक्स जो है बहुत स्ट्रांग बनानी है, और सॉइल मिक्स जब आपकी स्ट्रांग बन जाएगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्लांट में करने को नहीं बचता है। और दोस्तों इस इतना बड़ा पॉट ले लें, करीब 8 से 10 इंच का आपको पॉट लेना है, पॉट के अंदर इस प्रकार से गिट्टी रख लें और नीचे जो है इस सॉइल को रख लें। दोस्तों सॉइल के मात्रा का विशेष ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आपको उथले में नहीं लगाना है, गहरे में लगाना है, जहाँ जितना ग्राफ्टेड पोर्शन इसका है वो ऊपर रहे, और एक दो बार इसको फिर जो है उठा के लें, जितनी मिट्टी छूटनी होगी वो छूट जाएगी, और इसके अच्छे से इसको रख दें। दोस्तों रिपोर्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें इसके जो रूट कैप हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए, तो आसानी से रखें और ऊपर से धीरे से आपको मिट्टी को भरते जाना है। उम्मीद करते हैं हमारी बात समझ गए होंगे, और फिर ऊपर से हल्के हाथों से इसको दबा देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे विशेष बात यह है कि आप इस बात की चिंता न करें कि अगर इसकी रूट बांड टूट जाएगी तो ये पौधा चलेगा नहीं, क्योंकि हमको अब अपने एटमॉस्फेयर में इसको जो है रखना है। तो दोस्तों एक बात और यहाँ पे हम आपको बताना भूल गए हैं, जब भी नर्सरी से लेकर के आएँ तो पौधे को उस दिन आपको रिपोर्ट नहीं करना है, कम से कम 1 या 2 दिन अपनी अपने गमले में रख लें या अपने छत पर रख लें जहाँ पौधे लगाते हैं, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों पहली बार जो है इसमें आपको डीप वाटरिंग कर देनी है, माने जितना पानी आप डाल सकते हैं, जितने गमले में जगह है उतना पानी आपको डाल देना है, और डालने के बाद में इसको ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, कम से कम 4 या 5 दिन के लिए आपको अपने गुलाब को इस प्रकार से रख देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। देखिए दोस्तों रोज जो होता है वो हैवी फीडर होता है, तो इसको जो है प्रॉपरली फीडिंग की भी आवश्यकता होती है, 15 दिन में एक बार आपको इसमें खाद देनी पड़ेगी, एनपीके वगैरह के इसमें स्प्रे भी देना पड़ेगा, इसके संबंध में हम आपको अगला वीडियो बना देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी लोगों का नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।